नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। मुंगावली, अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील में आज मुख्यमंत्री का दौरा रहा, जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। साथ में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उमा भारती रही शामिल। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का अशोकनगर जिले के मुंगावली तहसील और भिंड जिले की महगांव तहसीलों में प्रत्याशियों को लेकर रहा प्रचार। जिले की मुंगावली विधानसभा में होना है उपचुनाव। राज्य के पीएचई मंत्री के चुनावी प्रचार में शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं हुए कार्यक्रम में शामिल। साथ ही क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव भी नहीं हुए शामिल, एवं जिला पंचायत अध्यक्ष बाई साहब यादव जी भी नहीं हुए कार्यक्रम में शामिल। यह सभी कार्यक्रम से रहे नदारद। आपको बता दें कि सिंधिया समर्थक हैं। राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव लोधी वोट बैंक को साधने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का कार्यक्रम में शामिल होना, लोधी वोटर को भाजपा की तरफ मुख मोड़ना। लोधी वोट बैंक यहां पर दूसरा बड़ा वोटर बैंक है यादव वोट बैंक के बाद। मुख्यमंत्री ने लगभग 200 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन किया एवं लोकार्पण किया। हितग्राहियों को बांटेंगे विभिन्न योजनाओं के लाभ। मुंगावली की नई गल्ला मंडी में हुआ कार्यक्रम। गल्ला मंडी सभा स्थल पर भारी भीड़ मौजूद। मंच से कमलनाथ सरकार को अकाल मृत्यु का योग है और प्रदेश में इस सरकार के हालात भी ऐसे बने हैं कि इतने दिन सरकार चल गई मुझे नहीं लगता था, और इस सरकार को विदा करने में महत्वपूर्ण रोल रहा मेरे भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी दादी का ही इतिहास दोहराया है। उनकी दादी विजय राजे सिंधिया कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता, जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस बहुत अत्याचार कर रही है तो उन्होंने कांग्रेस को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनसंघ में शामिल हुई थी। जनसंघ से भाजपा का बहुत बड़ा आधार तैयार किया था। किसानों के कर्ज माफी पर शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ तो किसानों के कर्ज माफी के नाम पर बैंकों को प्रमाण पत्र के नाम पर कागज पकड़ा गए, और अब बैंक वाले मुझसे पैसे मांग रहे हैं कि कमलनाथ भैया तो कागज पकड़ा गए, मामा तुम पैसे दो, कर्जा माफ हो। हमारे बैंक गए काम से सिंधिया ने सच में सड़क पर उतरकर कांग्रेसी सरकार को विदा कर दिया। कोई 5 साल की सरपंची नहीं छोड़ता है। हमारे ब्रजेंद्र भैया ने विधायकी छोड़ दी। भाजपा पूरे विकास कार्यों में लगी है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का 15 महीने का कार्यकाल देखा, मुझे पूरा एक बार फिर से भरोसा है जनता का आशीर्वाद मिलेगा भाजपा को। मुख्यमंत्री ने राशन माफियाओं पर भी कहा कि कोई भी हो, हम राशन माफियाओं के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने से नहीं चूकेंगे। 10,000 रुपए की राशि का चेक आचार्य विद्यासागर डेयरी योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा 1,50,000 रुपए की राशि का चेक श्री गुलाब सिंह हीरालाल ग्वाल के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत श्री फेरन सेन, काशीराम सेन और श्री उधम सिंह मलखान सिंह आपको 1,20,000 रुपए की राशि के चेक दिए जा रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज पट्टा दिया जा रहा है। श्री निरान सिंह और श्रीमती नत्थी बाई, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आचार्य विद्यासागर डेयरी योजना के तहत हमने बांध के बस्ते में डाल दिए हैं, उनको भरवाने की व्यवस्था मैं करूंगा। अगले महीने एक ही महीने का बिजली का बिल आएगा ताकि गरीब के घर प्रकाश होता रहे, रोशनी होती रहे। बोलो भारत माता की। गरीबों का कल्याण करने के लिए हम लोग आए हैं, जनता का कल्याण, विकास के काम। संबल योजना बंद कर दी। अरे संबल योजना में क्या था मेरे बहनों और भाइयों, मेरे वो भांजे और भांजी जो गरीब थे, किसी भी जाति और समाज के हो, उनको अगर एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता था तो उनकी फीस मम्मी पापा नहीं मामा भरवाता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाती थी। कमलनाथ जी, इन भांजियों और भांजियों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, इन्हें फीस भरवाने की योजना बंद कर दी। ये मेरे बेटा बेटियों, 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे तो मामा लैपटॉप दिलवाता था, 25,000 रुपया देता था। कमलनाथ जी, आप मेरे भांजे भांजियों के वो 25,000 देता था, वो मेरे भांजे भांजियों के 25,000 रुपया भी खा गए। मेरे भांजे भांजियों ने क्या बिगाड़ा था। अरे संबल योजना थी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हमने बनाई थी, 25,000 रुपया देते थे। कमलनाथ जी को जोश आया कि मैं 51,000 दूंगा।
अब शादियां बहुत हो गई, बेटियों ने सोचा 51,000 मिलेगा, शादी हो गई, डोली उठ गई, बिटिया घर चली गई, साल भर होकर प्रसन्न है। जब मैंने अभी देखा हेलीकॉप्टर से तो भैया को बोली कि देखो एक तो ढट्टी नहीं बांधे, मैं मास्क को ढट्टी बोलती हूँ, बुंदेलखंडी में ही बोलती हूँ मैं। अब मैंने कहा देखो सब एक दूसरे से सट के खड़े हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी पत्रकार बंधुओं के लिए भी और आप सभी लोगों के लिए भी कि आप स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज विकास कार्यों की बहुत बड़ी योजना का शिलान्यास मेरे बड़े भाई शिवराज सिंह जी ने किया है ब्रजेंद्र के क्षेत्र में। और ये तो स्वभाव से ही, जब मैं शिवराज जी के बारे में एक बात बताऊं, उनके मन में शुरू से ही इच्छा होती है कि मुझे काम करने का मौका मिला और मैं काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसलिए शिवराज जी को मौका मिला और फिर तुलसीदास जी ने तो रामायण में लिखा है भूख ना बासर नींद ना राती, दिन में भूख नहीं और रात में नींद नहीं, एक ही बात दिमाग में रहती है यहाँ का काम करना, वहाँ का काम करना, ऐसा काम करना, और भगवान उसके हिसाब से ऊर्जा भी देता रहता है। आज देश में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो पहले से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीत करके देश में प्रधानमंत्री बने हैं और आत्मनिर्भर भारत की ओर वो देश को बढ़ा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद जो 5-6 महीने मिले इसमें थोड़ा कोरोना का संकट खड़ा हुआ मध्य प्रदेश में। आप अभी देखिएगा, मुझे विश्वास है क्योंकि मैं शिवराज जी को जानती हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा और शिवराज जी का जो भाई बहन का आत्मीय संबंध है वो 36 साल से है। और इसलिए मैं उनको जानती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत के मामले में भी जो मॉडल स्टेट बनेगा वो मध्य प्रदेश बनेगा और इसको आप कुछ ही समय के बाद इसको आप देखेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश ने आत्मनिर्भर भारत के लिए मॉडल स्टेट बनने के लिए सारी चीजें मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में 3 कमियां रही हैं, एक तो हम सीमावर्ती राज्य नहीं है, यानी कि हम बॉर्डरिंग स्टेट नहीं है, जैसे कि राजस्थान वगैरह में जब बॉर्डर पर कोई स्टेट होता है तो बहुत सारी सड़कें और बहुत सारे विकास कार्य बॉर्डर तक पहुंचने के लिए होते हैं। दूसरा, हम कोस्टल स्टेट नहीं है, यानी कि हम समुद्र के किनारे के राज्य नहीं है। अगर समुद्र के किनारे कोई राज्य होता है तो उनका जो आर्थिक व्यापार है वो हजारों साल से समुद्र के मार्ग से चल रहा होता है। इसलिए कामों में लगी है हमारी सरकार और 15 महीने का उनका शासनकाल देखा है, भाजपा का भी आज देख रहे हैं, पहले भी देखा है, मुझे पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। एक और मामला सतना का जो आज आया, उसमें एक कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हुए हैं, उसको देखो भैया, कोई गड़बड़ करेगा, गलत काम करेगा, गलत धंधों में रहेगा, गरीब का राशन खाएगा, कोई माफिया होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी हो हम नहीं छोड़ेंगे उसको। खबर समय जगत के लिए मुंगावली से मनीष राय की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.